नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी है। जो सबक प्राइम मिनिस्टर अडयाला जेल में है इमरान खान, उनका ये मानना था और उनके टीवी पे बड़ा बयान भी चला जिसके अंदर उन्होंने कहा था जी कि ये बहुत अच्छा है। वोटर सब हाँ कॉल, अभी बिल्कुल इन्होंने कहा कुछ है बिल्कुल नहीं छुपाने के लिए, नहीं, तो वो कह रहे थे ये ये बहुत अच्छा है क्योंकि ISI के पास ये पावर होनी चाहिए। उन्होंने बकायदा नाम दिया था, क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर होती है और वो मुझे बताते हैं कि दुनिया के हालात क्या है। सो इन अ वे पोलिटिकल इंडोर्समेंट भी मौजूद है। नहीं, IB करती है, मतलब इसमें कोई बच्चों वाली रॉकेट साइंस थोड़ी, कौन करता है, सबको पता है कौन करता है, क्यों करता है, उसकी भी रीजनिंग है। सब करते आप हैं। जब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपका कोई इदारा आपको टैप कर रहा है और इफ यू नॉट इन्वॉल्व कि आप मुल्क तोड़ रहे हैं या मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, व्हाई यू शुड बी वरीड। आप सारी बात करें, हम भी यही बार बात कर रहे थे, सुन ले, अगर आप गलत नहीं कर रहे तो उसे डर किस चीज़ का है। आप मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे हो, कोई जासूसी कर रहे हो, कोई तो अपने एसेट्स के बारे में बात कर रहे हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ, कोई मर्डर, आप वो आप सुन लें और एंटिसिपेट कर लें। बट यहाँ जिस मनसब पे बैठे हैं, बड़े बड़े मनसब पे, उनके अंदर की सोच आपको मिलती है। मैं ये कह रहा हूँ, ये छठे हुए गुंडे हैं सिस्टम के, इनको आप गुंडों की टर्मिनोलॉजी में लेंगे तो यू अंडरस्टैंड इट। अगर आप ये कहेंगे ये बहुत शरीफाना पोजिशन पे इकतदार की या मनसब पे बैठे हुए जस्टिफाई करते अपनी जगह पर, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला आदमी खुद सादिक और अमीन नहीं है, कैन यू बीट इट। वो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है कि आप बताओगे कि तुम अच्छे हो या फरिश्ते हो या नहीं हो, हू द हेल आर यू। तलत भाई ये तो अच्छा हुआ ना कि एक चीज़ सामने आ गया। ऐसा भी वो कहता कि ये जो दूसरे टेलीफोन थे ना, तो एक्सचेंज में जो अच्छे से यार दोस्त होते थे तो हमें बताते कि यार आप एहतियात करना, आपके टेलीफोन के ऊपर काला कौवा बैठ गया। ये सलाह इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे, ये 80s और 80s से पहले ये चीज़ तो फिर आप इस्तेमाल क्या होती। करते थे जब काले कौवे की आपको खबर हमने मिली? कौन से, हाँ देखिए, अगर मैं कोई गलत काम नहीं, कोई गलत बात नहीं कहता, तो हमारे तो उस वक्त और चीज़ें होती थी ना कि ये तो अभी और हो रही नहीं, है। एहतियात किस तो किस्म की करते डिप्लोमेट होंगे, वैसे कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना। डिप्लोमेट वो ये कहते बीवी से कि एहतियात कर सकते हैं आप, बाकी एहतियात तो नहीं मुल्क नहीं 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 बात तो नहीं हो नहीं, सकती। नहीं उस वक्त में देखे ना कि अभी तो आपका सियासत महदूद हो गया ना, उस वक्त डिप्लोमेटिक सियासत भी, इंटरनेशनल सियासत भी होती थी, सब चीज़ें ठीक होती थी। उसमें फिर ये होता था कि ये अगर आपने रूस के एम्बेसडर या एम्बेसी में बात की है तो आप वो काफर हो एक गए। एक और लेवल हाँ वही। लीगल पोजीशंस के हाँ ये एविडेंस जो है ये पब्लिक नेमिंग और शेमिंग की कैटेगरी में आता है। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इट डजंट स्टैंड। तो अगर हमने एक कानूनी आईनी माशरा बनाना है तो उसके अंदर आप नेमिंग एंड शेमिंग कर ले, ये बहस हम कर लें कि कौन क्या है, लेकिन कानून तो फिर आप पिट जाता है एविडेंस के तौर पर नहीं इस्तेमाल हाँ होता। उसमें जाहिर है कि वो उसमें है ऑडियो वीडियोस के हवाले से एक पूरा। अभी आसिफ खोसा साहब ने जब ये अरशद मलिक की ऑडियो लीक हुई थी और वीडियो भी लीक हुई थी जिसमें पनामा केस कैसे मुझ पर दबाव था और मैंने सजा दी है, उसके बाद जो है वो एक है कि उसका फोरेंसिक टेस्ट हो, आपने लीगल तौर के ऊपर की है। और वो बात भी ठीक है कि अगर एक लीगली एविडेंस आपने कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि आपका कानून है वो आपको कहता है कि आपने क्या स्टेप्स लेने हैं एविडेंस कलेक्ट करने के हवाले से। हाँ लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे टेररिज्म है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और ये दूसरे बड़ी चीज़ें हैं, वहाँ पर कानून मौजूद है। आप इदारों के ऊपर जाते हैं, जिस हिसाब से आप इजाज़त लेते हैं और फिर उसके बाद आप फ़ोन टैपिंग करते हैं, जो कानून आम फैम के अंदर हम बता सकते हैं, तो ये तरीका मौजूद तो है। लेकिन अब मसला ये जो आपने पहले सवाल किया था ना कि लीक कौन करता है, अब मेरे और आपके हर फोन के अंदर एक छोटी सी डिवाइस मौजूद है, मैं आप मेरे साथ जो बात करेंगे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं। अभी ये वाडा साहब तो ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि नहीं, क्यों, और कौन ये कौन एक्सपर्ट है ये उनके काम करते हैं, ये उनके करीब है, ज्यादा क्यों ये उनके करीब है। इन्होंने बहुत सारी सुनी भी होगी, देखी भी होगी, ये बड़ा मसला हो जाएगा, ये उनके करीब है ना इसलिए वो कह रहा है। अच्छा 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 मैंने कहा पता नहीं कोई देखने वाली वीडियोस की तो ना ही बात करें। अब देखे ना, अब ये देखे ना, आपके जो सासू माँ वाली ऑडियो लीक्स वाला मामला था उसके अंदर जज साहबान ने खुद ही बैठ के कहा नहीं जी हम तो नहीं रिक्यूज करेंगे, लेकिन लेकिन किसी किसी ने उसकी सेहत को फॉरेंसिक्स नहीं करवाया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम अब वहां कोई पे ऐसा होना मामला बना सकते हैं कि भाई कानूनी और आईनी मसाइल तो आप देखते रहे लेकिन जो चीज सामने आ गई है उसका फॉरेंसिक्स करवा के ये तो एस्टेब्लिश करें कि उसका मवाद सही है या नहीं। रिक्वेस्ट सुने, आपको याद होगा क्वेटा बलूचिस्तान में एक लैंड क्रूजर ने एक पुलिस के सिपाही को नीचे दे दिया, उसकी वीडियो थी। कानून, अंधे कानून ने, अदालती निजाम ने उसको बरी किया बाइज्जत और कहा यह अविशात ने। तो आप किन ऑडियोज की और वीडियोज की बात करें, किस मुल्क की बात करें जहां मोरालिटी है ही नहीं, जहां इमोरल लोग मनसबों पे बैठे हुए हैं, सियासत करने वाले जो लोग हैं वो इमोरल लोग हैं, वो इमोरल सोसाइटी का फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। अब अगर जज साहब मोहतरम बहुत अच्छे जज हैं, गुड रेप्यूटेड मैन,
अगर वो ये पूछ रहे कौन करता है, तो सर वो तो अगर उनके छोटे बच्चे हैं या उनके बच्चों के बच्चे हैं तो वो भी आपको बता देंगे आके कि ये करते हैं, 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 है ना, उसके अंदर सिंपल सी बात है ना। अच्छा आप सवाल ये कि अगर उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है और रिकॉर्डिंग आपकी सही है, अब उसके फॉरेंसिक्स को नेमिंग और शेमिंग आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तेज भाई एक बात, हमारे मुल्क में हम नहीं है तो कानून को मानते हैं ना अखलाकियात को मानते हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उस दिन मैं आ रहा था तो एक टैक्सी वाला वन वे पे आ रहा है, तो मैंने उससे रुका, मैंने कहा यार आप तो वन वे पे आ रहे, तो कह रहे जी इधर तो सब कुछ चलता है, आप मोटरसाइकिल वाले से पूछे वो फुटपाथ को क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा, ऊपर फ्लाई ओवर बनी हुई उस पर लोग जाते नहीं, जंगले तोड़ के नीचे चले जाते हैं। मुझे आप बता दें कि सिर्फ सियासतदान नहीं, हम कौम अभी इतना बेहस हो चुकी है कि हमारे अंदर तो अखलाकियात की, कानून तो दूर की बात है, पुलिस तो आपको नज़र नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो वो पैसा शेर से लेकर साइड पे हो जाएगा। लेकिन आप इस हद तक हमारा माशरा तबाह बर्बाद हो चुका है, और ये कुछ सालों में तो मैं जो देख रहा हूँ, इससे पहले पहले भी बेहतर था, ये कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ तो हम तो बिल्कुल तबाही की तरफ चले गए। नहीं तो सबरात क्या जो तबाही की तरफ चले गए तो फिर फोन टैपिंग होती रही, ये तो कोई नहीं नहीं मैं फोन की टैपिंग नहीं नहीं मैं फोन की टैपिंग की बात नहीं करता हूँ, वो जो आपके बात से मैं इत्तेफाक इसलिए करता हूँ कि अगर कुछ हुई भी है और आए तो उसकी फ्रांसिंग तो करें ना, कोई पता तो चले क्या है। मुल्क इमोरालिटी के अंदर इतना आगे आसमान पे जा चुका है, आप तो बहुत ही ज्यादा है, आप ये क्या चीजें हैं, क्या आप लोग डिस्कस कर रहे हैं? नहीं नहीं बहुत बहुत नहीं नहीं सर, कोई अहम चीज नहीं है। देखिए आप जैसे सहाफी या तो इनोसेंट एक्ट कर रहे हैं पब्लिक के लिए, ग्रैब मोर एड्स, ठीक है, तो वो पॉपुलैरिटी तो आपकी अल्लाह ने आपको दी हुई है और आपको एड्स भी मिल रहे हैं डबल ट्रिपल, तो आपको जरूरत नहीं है। बट इस सब्जेक्ट के अंदर आप सब्जेक्ट की बात करें 23 अक्टूबर की, दैट्स अ रेलेवेंट प्रोग्राम, क्यों कि गैलरी के अंदर आपने सियासी फैसला दे दिया, उसको कानून बना दिया, आप मुल्क के अंदर खुली छुट्टी है, आप तनसीबात को जाके उड़ा दें आज, आप एक इंडिया का रॉ का बंदर ले आए वो करेगा उसका कुलभूषण को भारत बना के छोड़ेंगे। मौजूदा मौजूद से उसको जोड़ता हूँ, अगर आपको ये पता चले कि वो फैसला वाकईतन कन्वर्सेशन के जरिए आपको पता चले कि वैसे ही हुआ है जैसे आप फरमा रहे हैं, तो ज्यादा मुस्तरद नहीं हो जाएगा आपका जो मुद्दा जो है, इत्तेफाक नहीं करता तलत साहब। आपको एक माइंड सेट तमाम सिस्टम के जो लोग हैं उनका पता है, आपको भी इन चीजों की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं। पब्लिक डिबेट कर रहा हूं, जज साहब को भी जरूरत नहीं, वो क्यों इतना सर खपा रहे हैं इसके ऊपर भाई? वो कोशिश कर रहे हैं यार, उसके वो भी रेडिंग ले रहे हैं क्या, वो भी ऐड ले रहे हैं? नहीं नहीं ये फिर जाता है भाई उनके पास, और जो लोगों को और तकलीफात है उनका केस उनको नजर नहीं आ रहे, बस ये चीज नजर आ रही है, क्योंकि आपने शाम को टीवी पे चलाना है, अभी हमने उस पर बात करनी है, हमने सोशल मीडिया पे चलना है, यार वो नाम आएगा। हालांकि अगर उनको इतना एहसास है तो ये जो गरीब लोग रुलते जाते हैं 30-30 और 40-40 साल केस चलाते हैं उस पर क्यों तवज्जो नहीं देते हैं? पिटीशन जो जो मामला सामने आएगा उसी पे बहस करेंगे, ये थोड़ी है कि जिनके रिक्शे के ऊपर वो मैच तो उसने खुद लिया, उसने खुद उसने किसने जाके उसको कहा कि ये चीज जो है सर यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो जिनके अपने जो शेमलेस है, नोजलेस है, इमोरल है, कैरेक्टरलेस है, जो सादिक और अमीन नहीं है वो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, सर्टिफाई करेंगे आप सादिक और अमीन, मुल्क के अंदर ये आइडियोलॉजी हो, यू हैड इट। जाते जाते वैसे कयूम साहब इसको अब 30 सेकंड में बता दें कि जिनको जिनकी ये बात कर रहे हैं ना उनकी बाकायदा इंटेलिजेंस क्लियरिंग भी होती है। अपनी जात से रिलेटेड है, उनको सूट करता है उनका कोई बेसिस तो होना चाहिए ना। फिर अब जाके उसके ऊपर हुआ कि जिस बंदे ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है अगर मेरे बारे में या किसी एक्स वाई जेड के बारे में, उसके ऊपर उस जिम्मेदार का नाम तो लिखा हो, कल को अगर वो गलत रिपोर्ट है तो फिर उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हो सके। वो सिस्टम जो है वो हो तो रहा है, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी बंदर है, एक बैरून मुल्क से बाहर वापस आ गया है, फिर ये चला जाएगा, दूसरा आदमी आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, किस मुल्क में सर हम किस मुल्क में? आज फैसलाबाद बहुत जरा से निकल इधर न सजाए न जजाए, मैं तो नहीं आया करता।